उत्तराखंड के महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था अशोक कुमार के निर्देशन में प्रदेश में 1 जनवरी से 2 महीने का ऑपरेशन स्माइल व ऑपरेशन शनाख्त अभियान चलाया जाएगा। अभियान में वर्ष 2000 से अभी तक तलाश हेतु शेष पंजीकृत गुमशुदा बच्चों के साथ साथ गुमशुदा पुरुष एवं महिलाओं को भी तलाश किया जाएगा। इसके साथ ही गुमशुदाओं का मिलान लावारिस शवों से भी कराया जाएगा। डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने बताया कि ऑपरेशन व स्माइल व ऑपरेशन शनाख्त अभियान के अंतर्गत जनपद देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर में 5-5 तलाशी टीम और शेष जनपदों में 2-2 तलाशी टीम का गठन किया गया है। शायद आ रहे हैं, उनका भी विड्रॉ कर लिया है। ऑपरेशन स्माइल हमारा बहुत सक्सेसफुल अभियान है, 2015 से चल रहा है। 1500 से अधिक बच्चों को हम ढूंढ चुके हैं, उनको उनके पेरेंट्स से मिलवा चुके हैं। तो इस वर्ष से जो है दिसंबर और जनवरी में चलाया जा रहा है और पूर्व की भांति हमें विश्वास है कि सफल होगा। पिछले वर्ष हमने एक नया ऑपरेशन शुरू किया था, ऑपरेशन शिनाख्त जी। वो ये था कि जो अननोन डेड बॉडीज हमें मिलती हैं तो उनके घर वालों को, उनके लिए बहुत बड़ी वो ट्रेजेडी रहती है लाइफ लॉन्ग, क्योंकि उनको अपने आदमी का पता नहीं चलता उनका।